अस्सलाम वालेकुम, खबरजार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मदीन हजरात, प्रोग्राम के आगाज में आपको लिए चलते हैं जाली पीरों के आस्ताने पर। ओए, ये किधर से आ गए? तुसी कहंदे के जाली पीरा, देखो लभ्या के नहीं? ये तुमने तलाश की है? और किने तलाश की था जी? जिन भी साथ बैठा हुआ है भाई, कमाल है, जिन ठीक हो गया, जिन साढ़े ताबिया हो गया जी। ये लगातार बकवास करता चला जा रहा है आफ्ताब साहब। ना तो मैं इसके ताबे हुआ हूँ और ना ही इसको ये लोग ढूंढ कर लाए हैं। और तुम्हें किसने तलाश किया? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, इधर उधर देख रहे हो। यार औखा क्यों बोलना, खुदा दिया बंदे, ये तो काम शुरू हो गया। अच्छा, ना सिर्फ ये बाजियाब हो गया है बल्कि भला चंगा लंबा तड़ंगा होके आ गया है। इन्हें तो जो जेन खेड़े। अच्छा जी, आपने इसे कहाँ से तलाश किया? मैंने इसे कोकाफ में तलाश किया, ये मुझे नहीं मिला। फिर मैंने इसे बाबुल नैनवा के सहराओं में देखा, ये मुझे नहीं मिला। तो फिर मिला कहाँ से? इन्हें फिर ऐसी मजांग चुंगी तो फड़े है। मजांग चुंगी क्या कर रहा था? फटे थले बह के मरूंडा खान दिया सी। इन्हू ना इन्हें लभ्या ना जिन ने, इन्हू मरूंडे वाले ने लभ्या जी। वो कैसे? इन्हें मरूंडा खा लिया, पैसे देने ही इन्हू लभदा फिरदा है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसको मैंने तलाश किया है। क्यों, आपने क्यों तलाश किया इस बेकार चीज को? असल में मुझे उस औरत से बड़ी चिढ़ है। किस औरत से? वो जो इसकी बीवी है और आजकल गुलछरे उड़ाती फिरती है। हाँ, एक जगनुमा शख्स उसके साथ हर वक्त मौजूद होता है। क्या नुमा? ए बड़ा जग नहीं होता। हाँ जी, जिन सब हल्की हल्की एडजस्टमेंट भी कर रहे। इस बाबे ते मैनू बड़ा तरस आउंदा। मैं आज तो 25 साल पहले बाबे दी जवानी वेखी है। अच्छा, ओदो भी एज दा ही सी। क्या काम करते थे तुम? यार की बंदा खुदा दी, इसने मैनू कदे मेरे अब्बे ने नहीं बुलाया। उन्हें तो सारी जिंदगी नहीं तेनू बुलाया। मैं कम से कम बुला तो लेता हूँ ना, बेकार शख्स। अच्छा बुड्ढे खुसट, ये बताओ तुम गायब कहाँ थे? और बीमार था मैं भाईजान। झूठ बोल रहा है ये मक्कार शख्स, कोई बीमार बीमार नहीं है। वो तो आना नहीं जा रहे जिन ने है। ये सिर्फ उस औरत को सजा देने के लिए, ऐसा सेडिस्ट जिन है, उसका काम भी खराब। सुनी थे मैं कोका जिन पूतला ना फ्रेंड से कोई गल नहीं करता। एक ओका पहुंचे जिन्ना पूता ने मास्क पा ले सो। मागा ना स्कूटर चलाउंदा सी पिंड इथे, की इनां दी मौजां बणियां ने इथे आ। अच्छा हकीम, जब तक तुम्हारी मौजे लगी हुई थी उस वक्त तक सब ठीक था। कहां लगी हुई थी? थी थोड़ी मौजे की है तुमने। सर मैं बीमार हो गया था। मैं तो इतनी मौजों के बाद बंदा बीमार ही होता है। अच्छा जी, जिन आज अकेला कैसे यहाँ पे आ गया है? मेरा दिल लग गया यहाँ पे आफ्ताब साहब। जिन हो गया आफ्ताब साहब कहने हैं, फिर तेरी जिन्नाती था। तुम्हें नहीं पता जिन्नात भी आफ्ताब साहब के फैन हैं। वो किधर है आपके साथ आपके रिश्तेदार? असल में मेरी भाभी घर से लड़के चली गई है। आहा। और मेरा भाई उसे मनाने गया हुआ है। तो ये लड़के क्यों चली गई? बस बेवकूफ औरत है, ड्रामेबाज। कैसा अच्छा तलब उसे, इन्हू डॉक्टर अमर ले आकर जिन चिमड़े है। अरे अहमक, ये भी मैंने आफ्ताब साहब से ही सीखा है। ये तो कोई ताड़ा जाती जिन लगता है। बहुत स्वीट जिन है, मुझे तो जन्नत इसकी वजह से अच्छे लगने लग गए। बाबा जी, इन्हू पूतरा बना सकते हो? यार तेन 6 महीने हो गया गुआचे, नहाता भी है कि नहीं? 6 महीने ने मैंने, मुश्किल ने 2 महीने हुए है। चलो 2 महीने तो नहीं नहाया होगा। अरे 2 महीने से बंदा नहाता है। अच्छा जी, हमने गुजारिश की थी बाबर अवान साहब से कि इनका कुछ सद्देबाब किया जाए, कोई कानून साजी करवाई जाए। उन्होंने कुछ सिफारिशात अपनी भेजी तो हैं, सेक्रेटरी असेंबली को भी कुछ थमाया था हमारे सामने, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जबकि एक अहम खबर सरगोधा से मुतल्लिक आपने पढ़ ली होगी। जी सर। वो जो जाली पीर था जिसने अपने 20 मुरीदों को कत्ल कर डाला था, डंडे मार मार के। पहले कहता मैंने उन्हें जन्नत में पहुँचाया, बाद में पुलिस के सामने बयान दिया कि नहीं, ये लोग मुझे कत्ल करने आए। पागल था, कोई हेलुसिनेशन का शिकार। मैं तो हैरान हूँ कि इसको सजाए मौत दे दी गई है। कितनी कितनी दफा? 27 दफा सजाए मौत इसको भी और इसके 3 साथियों को। जी सर। और 100 साल कैद और जायदाद जब्ती भी है। आर यू श्योर के ये सेन था, दिमागी तौर पे डीरेल्ड नहीं था? सर, जिस शख्स ने डंडों से लोगों को मारा हो वो कितना जालिम होगा। और 2 दिन मारता रहा है ये। 2 दिनों बाद एक बंदा इससे बच के थाने पहुंचा है तो खबर मिली है। देखिए जी, अमेरिका में तो ये कानून बहुत क्लियर है और यहाँ भी है, अगर सैनिटी मशकूक है तो फिर उसका प्रोसेस और होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे 2 नंबरी भी तो इंतहा को छू रही है ना। जी जी, क्या आप ये काम कर दें और इंसान होके बैठ जाएं? हाँ जी। अच्छा जी, ये जिन पता है ना आपको किस शहर से? हाँ जी, चिन्योट। तो चिन्योट का एक दिलचस्प वाकया इसी नस्बत से बताना जरूरी है कि कल इंडिया से फोन आया, मनोज भाई थे फ्रॉम दिल्ली,
تو کہتا ہے کہ میں آپ کے شو کے ساتھ یوں سمجھیے کہ نتھی ہو چکا ہوں. میں میری فیملی میرے دوست, ایک اور شو کا نام لیا میں نہیں اس کی دل آزاری کرنا چاہتا, کہ وہ کامیڈی ہم دیکھا کرتے تھے لیکن پھر کچھ دوستوں نے بتایا کہ تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو, کامیڈی دیکھنی ہے پنجابی فلیور کے ساتھ تو پھر خبرزار دیکھا کرو. کہتا ہے ایور سنس دین میں ہک ہو گیا ہوں اس شو پہ. تو میری بنیادی وجہ آپ کے ساتھ ایفیلیشن کی چنیوٹ ہے. میں کہ جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں میرے آبا و اجداد چنیوٹ سے آئے تھے. تو میں نے کہا کہ جن جب آئے گا ہمارے سامنے تو اس کو بتائیں گے. منوج بھائی کو میری طرف سے بھی ہیلو کہہ دیجئے. منوج بھائی پکے نہ ہو جڑ کے تیرے. اچھا جی منوج بھائی آپ نے سن لیا ہوگا. السلام علیکم باپ. وعلیکم السلام. یہ ابھی تک ہے؟ اینو کی ہونا ہے نو ستے ہی خیر جی سنڈے ارگا دے پنڈا دا. باقی تم زندہ کیسے ہو بھائی؟ کی وجہ ہے ابھی تھوڑے حساب نہ میں ہن تک مر جانا چاہیے تھا. جس طرح تمہیں تکالیف نے گھیرا ہے, جتنے بڑے تم کرمنل تھے اور جیسا تمہارا انجام ہم جیسوں کو نظر آتا ہے تمہیں اب تک فارغ ہو چکے ہونا چاہیے تھا. ہن تاں بابا جی دے سارے کرامات ہے, تویت دتا ہے, تویت ہن کافی بہتر ہے, ہن ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے, میرے موہرے ہل گئے. ان موروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 50-60 سال اگر اب بھی نہ ہلیں. نہیں مسئلے ہیں ہجے نال نال چل رہے. کیا مسئلے ہیں؟ کیا لیور ہے نا جڑا یہ بد گئے تے آ گئی چربی سروسس, اور ایک گردہ جڑا ہے وہ ہن 70% جڑا کام کرنا بند کر کے. یہ جو تم مکویات کھاتے رہے اور مشروبات پیتے رہے ہو نا حرام کی کمائی سے, وہ اپنا آپ دکھا رہے ہیں. تمہارا لیور اتنا ہونا چاہیے, وہ اتنا ہو چکا ہوگا. نہیں زیادہ ادھر سائڈ تو نکلیا ہے باہر, رات کو سونا نا تو دیکھا کن پٹی جڑی نا یہ درد ہوں, آ رگ جڑی نا رات میں ایں پھڑک دی. کوئی مسئلہ برین ہیمریج سیدھی سی ساڈے آستانے دے نال ڈائیگنوس سینٹر بھی ہے. اچھا بھیا جن تو ہور زیادہ پیارا ہو گیا. مہربانی جناب, بڑی مہربانی. جن کس طرف سے ہو گئے ہیں تم؟ تو چڑیل ہو. چڑیل نہیں نا چڑیل. چڑیل بر وزن طفیل. شادی خیل ہے, موسیٰ خیل ہے, عیسیٰ خیل. میل اور جن صاحب کی حال ہے تھوڑے؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں. تو اپنی خیر منا گینڈے. یور ڈیز آر کاؤنٹڈ. یہ کی کہا جی انہوں نے؟ وہ کہندا ہے کہ تیرے دن گنے جا رہے ہیں. گنے جا چکے ہیں. جا چو منحوس آدمی اللہ میرے. اس کے بھی اور اس کے بھی. وہ بیماری سے مرے گا, تم خواری سے مرو گے. یہ بندہ ساڈے لیے بٹھایا ساڈے مخالفان. تیری بیوی بیچاری 3 مہینے ہو گئے تینوں لبدی پھردی ہے کسی اور آدمی کے ساتھ, اور پچھلے دن ہی ساتھ پائی ہے بھی تو سائیوال پھر رہا ہے. وہ ہن سائیوال گئی ہے, 3 دن ہو گئے. سائیوال کیا کرنے گئے تھے تم؟ اور میں نہیں گیا جناب, میرا نوالا ہے کہ صحیح وال گئی ہے. واقعی ہو سکتا ہے بلبل کی کڑھائی کھانے چلی گئی ہو, اور بلبل کو بھی اسی کا نام ہے. میں بہت کھاتی صحیح وال, میری پوسٹنگ رہی ہے. ہاں ظاہر ہے تم تو 4-4, 5-5 کلو اکیلے کھا جاتے ہو. ان میں میں بھوک لگتی ہے لیکن کھاتا نہیں جاتا. یہ عذاب کی بدترین قسم ہے کہ بھوک لگتی ہے لیکن کھایا نہیں جاتا, نیند آتی ہے لیکن کھویا نہیں جاتا. وہ اتوں ہے اطلاما دے. اس نے 2 جرم کیے, ایک کرپشن کی, دوسرا پاکستان کے خلاف. اسی حوالے سے خواتین حضرات بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 2-3 دن پہلے ایک ایپ انٹروڈیوس کی ہے موجودہ حکومت نے, اور یہ میں سمجھتا ہوں سو فار ایک بہت بڑا سنگ میل ہے عمران خان کا, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, کہ اس ایپ کے ذریعے آپ کرپشن کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, ڈسکریج کر سکتے ہیں اور وسل بلوئنگ کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں احسن اقدام ہے. تینوں ہن آرام تو ہے نا بھائی؟ گل یہ بھی بھوک لگتی ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتا. یہ کی وجہ جی ڈاکٹر سکسینہ صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ السر ہے انتڑیوں میں, بھوک لگ رہی ہے, السر کو تو نہیں پتا نا. جوفے میدا جو ہے وہ سوجا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ جا ہی نہیں سکتی اندر. نیند کا کیا عالم ہے؟ یہ بھی تھوڑی گل ٹھیک ہے, نیند آتی ہے پر سو نہیں سکتا. مہرے جو مہرے ہیں نا, تم ایک پینترا بدلو گے تمہاری چیخیں تیسرے محلے تک جائیں گی. میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کرپٹ آدمی بیچارا, حالانکہ بڑا اس نے لمبے لمبے ہاتھ مارے ہوئے, بالکل ہیلپ لیس ہی تھا وہ. میں سر کرپشن نہیں کی. اچھا میں جیسے کلو پیسے لے نا جی وہ دا کام کیتا. تو حکومت پاکستان سے تنخواہ کس چیز کی لیتے تھے؟ یہ حکومت پاکستان بلکہ دا اسٹیٹ آف پاکستان جی اس کے خلاف کام کرنے کے پیسے لیتا تھا. تو یہ تو مرتشی ہے نا جی. راشی آتا ہے اس کے پاس کہ جناب یہ ایک کام ہے, اس میں اگر آپ سائن کر دیں تو 50 لاکھ روپے کی بچت ہو سکتی ہے میری. وہ 50 لاکھ ریاست کے ہیں, تم اس 50 لاکھ کو بچاتے ہوئے
20 इसको दे दोगे, 10 किसी मिडल मैन को दोगे, पाकिस्तान 50 लाख से महरूम हो जाता। जब तुम अल्लाह के हुजूर पेश होगे ना, उन्हें माफ कर देना। हो सकता है ऐसा ही हो, तुम इस खुश ख्याली में ही। वो गफूर रहीम है, और ये इस कदर गलत इस्तेमाल है गफूर रहीम का, बल्कि मजाक है उसके साथ। तुम्हें शायद इसी बात पे वो पकड़ ले, तुम जैसों को, कि उसने कुछ नहीं कहना। लेकिन याद रखो, जब उसके हुजूर पेश होगे ना, तुमने चिंगाड़ते हुए हाथी की तरह, धाड़ते हुए शेर और गेंडे की तरह एक ही चीज मांगनी है उससे, मोहलत। एक घंटे की मोहलत दे दो, मुझे 2 घंटे की मोहलत दे दो, तुम्हें 2 मिनट की मोहलत नहीं मिलनी। ओ हिसाब किताब तो 1 सेकंड छो जाना, इतनी कड़ी गल है। एक दिन पता कितना लंबा है? बड़ी हद है, 24 घंटे तो हो। 50,000 साल का दिन है वो, ताकि तसल्ली से बैठो। तुम कहोगे मैंने दरख्त के नीचे बैठ के हिसाब देना जी, आए दरख्त के नीचे बैठ जाए। तुम कहोगे नहीं मैंने कमरे में बैठना, एसी वाले कमरे में बैठना, आइए वहां बैठ जाए। हिसाब पूरा हो गया कि तुम्हारे नहीं हम सब का भी होगा। लेकिन मैं हैरान हूँ, तुम्हें इन चीजों का पता ही नहीं और तुम इतने करीब हो अपने अंजाम के। तू कहना मैं चौड़ा वाली देख दे कोल बह के हिसाब देना। मैं बाजा बजाऊंगा। एक दिन मुकर्रर है, अल्लाह ने जिदा लिखी बाबा जी आनी तो उदा ही है ना। अल्लाह ने तो लिखी है, तू फड़ के अपनी गलत लिख बैठा। वो मेरे वाला के ना वाला, वो नहीं गल तो भी पढ़ी लिखी कर रहे हैं। तेनू कहन दे भी तू पैसा दे, पर जिदा जिदा देना दे। दे दिता तियां नू तियां दा, देता पुत्तां नू पुत्तां दा देता। नहीं तो नैब नू भी तो कुछ दे सालिया। नैब को क्यों नहीं दे रहे हो? किसी ने पूछे ही नहीं मैनू। बेशुमार है वैसे जो नैब से बच गए, नैब के रडार में नहीं आ सके, लेकिन एक रडार ऐसा है जिससे नहीं बचेंगे, ये उस रडार में आ चुका है। जिसले गल्लां करदा ना मेनू हल्का हल्का लगदा मेरे गूठे बन्ने गए। जिसले गल्लां करदा मेनू आवाज़ां आउंदियां, इहनू लै चलो ऐर जाओ, हले बंदे पूरे हो लैंदे, कम से कम 3 सफ़ा तो होण। कैसे अखज कर लिया तुमने के 3 सफ़े होंगी? अच्छा मेरे लिए की हुक्म है, मेनू की होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, की हाल है? की हाल है, ठीक हो तुसी? अच्छा भी बड़ा अफसोस हुआ। कादा जी, तुम्हारे रंग में भंग पड़ गई है। की कह रहे हो जनाब? बैठो तुम्हें पता चलता है। हाय हाय, मैं कहनी है मैं तो उन्हें लब लब के खप गई हां। साईवाल गई सा उन्हें लबन वास्ते। क्या क्या खाया वहां पे? ओ मैं कढ़ाई खादी जड़ी तुसी अपने प्रोग्राम च दसदे बुलबुल दी कढ़ाई। जनाब की मजा आया, तुहानू ते पता ही कुछ नहीं। हाँ जी, हमें क्या पता है। बाबा जी तुहानू मैं की दसा, मैं बड़ी दुखी सा। हाय इन्नी दुखी आफताब साहब, मैनू तो समझ कुछ नहीं सी आंदी, इन्हां दा साथ ना ना हुंदा। हां जी, ते यकीन करो मैं ते मारी गई सा। वैसे क्या अच्छा साथ है, अब पता नहीं ये तुम्हारे शरीके हयात हैं कि शरीके जुर्म। आफताब सर है की गल कीती है तुसी भला? इसलिए कि ऐसे दंदनाती फिरती हो तुम, अपने शौहर को तलाश नहीं किया तुमने। लब लब के तो मेरा बुरा हाल हो गया। हां जी, आपके मेकअप से लग रहा है कि आपका बुरा हाल है। ओ मेकअप तो तुहानू पता है आफताब साहब की करिए, बाहर निकलना पैंदा। इनको बहुत पसंद होगा। एडी कोई गल नहीं है, पता नहीं तुसी की समझन डए हो। देखे ना, वो एंजॉय भी कर रही है, उस कैफियत से भी गुजर रही है। तेरे दी रौनक दस रही है, तू अपने खावत नु कितना मिस कर रही है। बड़ा मिस करनी है जी उनु। हमारी दुआ है कि तुम्हें फौरन मिले तुम्हारा शौहर, ताकि तुम फिर घर में एक मुनासिब जिंदगी गुजार सको। ओहो जनाब, मरण वाले नाल मरिया ते नहीं जांदा, असि जनाब नवे साल दा आगाज उनु लबन ते करना है। इना स्विट्जरलैंड जाना है उनु लबन। मैं कहनी आफताब साहब एहो जे हमसाया कदी लबना, 1 रुपया नहीं इन्हां ने मेरा लगन दिता। जिदण दा तैनू ए लब्भा ना, ते तेरा बंदा नहीं लबन दिया। आफताब साहब असते अज भी उनु लबन डे आ। मौत तुम्हारे सर पे मंडला रही है कालिया। है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਕਤ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਇਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਨਵਈਆ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਰਕਮ ਡੂਬ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਪਏ ਹੋ ਘਟਿਆ ਔਰਤ। ਆਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ। ਜਿਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਜਾਣਤਾ ਹੂੰ। ਜਿਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਾਓ, ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਨਵਈਆ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰਾ, ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰਾ? ਵਾਓ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲਾ ਵੀਰਾ। ਪ੍ਰੇਲਟੀ ਦਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਵੁਮਨ। ਹੈ ਹੈਮਲਟ, ਹੈਮਲਟ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋ।
ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਗਵਾ ਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਧੁੱਫੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਮ ਲੱਭ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਨਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕੀ ਮੁਖਬਰੀ ਪਰ ਆਦਮਖੋਰ ਮਾਲਕਿਨ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਆਦਮਖੋਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਆਦਮਖੋਰ ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਓ ਪੋਲੋ ਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਹ ਕਹਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੇ ਘਰ ਬਤੌਰ ਕੁੱਕ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਤਾ ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਕਹਤੀ ਜੋ ਦੋ ਦਿਨ ਵੋ ਫਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕੁਕਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਦੇਤੀ ਅੱਛਾ ਤੋ ਮੈਂ ਆਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਮੁਝੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਜੈਸੇ ਕਿਚਨ ਮੇਂ ਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਕੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾਈਸਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕੀਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੌਨ ਸਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਪਕਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਤੀ ਜਾਨਵਰ ਕੌਨ ਸਾ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਪੇ ਤੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਇਹ ਇਸਕੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਹਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੇਂ ਚਲੀ ਗਈ ਮੁਝੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਹਤੀ ਮੈਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਾ ਅੱਛਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੀਚ ਮੇਂ ਯਕੀਨਨ ਗੋਸ਼ਤ ਵੋਸ਼ਤ ਹੋਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰ ਕਿਆ ਕਹਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾ ਤੋ ਇਨਸਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬ ਛਾਪਾ ਮਾਰਾ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੌਸੂਫਾ ਤੋ ਖਾਤੀ ਹੀ ਆਦਮੀ ਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਥਾ ਔਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਕੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋ ਹਾਂ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਵਿਚਾਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ 20 22 ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਾ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਥਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਕੈਨਬਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲਰਜ਼ਾ ਖੇਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਹੋਆ 1972 ਮੇਂ ਯੂਰਾਗੋਏ ਕੀ ਰਗਬੀ ਟੀਮ ਇਸਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਮੇਂ ਅੱਛਾ ਤੋ ਕੁਛ ਸਾਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ 72 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓ ਕਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਾਏ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਉਨਕਾ ਇਨਕਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯਹੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ ਆ ਗਏ ਹਾਏ ਉਸ ਪੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਫਿਲਮ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਰ ਉਹ ਥੀ ਫਲਾਈਟ 571 ਸਾਰੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੋਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦਿਆ ਉਹ ਕੋਮੇ ਚ ਸੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੇ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪ ਨਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈ ਹੈਨੀਬਲ ਆਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਮਸ ਰੋਂਗ ਟਰਨ ਵੇਖ ਲਓ ਰੋਂਗ ਟਰਨ ਮੂਵੀ ਵਾਹਿਆਦ ਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਸੀ ਮੌਜੂ ਪੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਰਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਰੈਗ ਕੋਲਾ ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਜੱਜ ਬਣਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਗੀ ਇਹ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲਗੇ ਥੇ ਮੁਝੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲਗੇ ਥੇ ਦਿਲ ਲਗੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾ ਉਨਕੀ ਹਟ ਧਰਮੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜੋੜਾ ਸ਼ਬਨਮ ਕਾ ਨਦੀਮ ਕਾ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਚ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲਨ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਵੋ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵੋ ਹੀਰੋ ਔਰ ਵਿਲਨ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਕਾ ਨਾਮ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਔਰ ਬੁਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਸ ਮੇਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਕਿਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਤਹਾਈ ਸਫਾਕ ਗੋਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵੋ ਉਸਕੋ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵੋ ਕਹਤੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਮੇਂ ਤੈਸ਼ ਮੇਂ ਗੁਰਬਤ ਮੇਂ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਗਰ ਆਪ ਭੁੱਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਕੈਦੋ ਬਣ ਜਾਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਠੀਕ ਕੀਆ ਥਾ ਵੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ ਉਸ ਅਹਿਮਕ ਭਾਬੀ ਕੋ ਸਮਝਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰਫ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸਕਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਮਾਊਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਵੋ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਅਕਲ ਕੇ ਅੰਦੋ ਹੋਸ਼ ਕੇ ਨਾਖੁਨ ਲੋ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੋ ਫਿਲਮ ਬੀਨੋ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੋ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਨੇ ਇਸਕੋ ਵਿਲਨ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਲਿਆ ਦੇਖੇ ਜੀ ਦੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਬੀਚ ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਰੂਟ ਗਲਤ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਰ ਡਾਇਲੋਗ ਉਸਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਅੱਗ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਵੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਵੇ ਹੀ ਖਾਵੇ ਬੜੀ ਹਾਏ ਅਬ ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੂੜ ਮਗਜ਼ ਥੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਬੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚਰਸ ਪੀਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅੱਖ ਚੋਂ ਸੁਰਮਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕੁੜੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਹ 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 ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕਿਸ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਕੇ ਸਰ ਇਹ ਤਰੰਜਨ ਕੇ ਰਾਈਟਰ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਰਾਹੀ ਹਰਮਨ ਅਬਰ ਜ਼ਰੀਫ ਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁਆ ਥਾ ਹਮਸ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੰਗੀਲਾ ਕਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਭ ਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮਨੇ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਅੱਖ ਸਰ ਇਨ ਤਮਾਮ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋੜੋ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਕੌਨ ਸਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ अब यकीन करें इनमें से कोई भी नहीं इनमें अगर कोई ऐसा बंदा होता जो ईसार का आइकॉन होता जो कुर्बानी देने वाला होता मैं उसके हाथ चूमता कोई पूछता क्यों आप इनके इतने खिलाफ हैं इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका इनका अंजाम देखिए एक स्टोरी भी रोमियो जूलियट से शुरू हो जाए एक स्टोरी भी ऐसी नहीं कि जिसमें इनकी नेचुरल डेथ हुई हो वो तमीज वाली कुत्ते की मौत मरे हैं सारी लेकिन सर ये मोहब्बत करने वाले जोड़े मैं हैरान था उस वक्त से आप बोल क्यों नहीं रहे आपने मोहब्बत की होती तो इस कदर तल्ख जुमले आप नहीं कहते मैंने ऐसी मोहब्बत वाकई नहीं की और अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना करवाए ऐसी लो ये रांझे का साड़ा निकलना है मोहब्बत का नाम जब भी आता है आड़ू का बटन ऑन हो जाता है असल में ना आफ्ताब ये दिसंबर से मोहब्बत याद आती उसे कहना दिसंबर फिर भी आएगा ये खैर एक और बात है मैं वक्त से पहले यूनिवर्सिटी पहुंच जाया करता था इन्हें रंग करना होता कभी 7 बजे अपने दौर में यूनिवर्सिटी गए हो 7 बजे 7 बजे 7 बजे कौन जाता है 7 बजे इसका अंदर फॉग होती थी कि मैं निकलता था इसलिए कि मैं वो भी जरा थोड़ा सा जल्दी आ जाती थी कुछ टाइम मिल जाता था नाश्ता लाती आपको पता है आफ्ताब के एक क्यूरियोसिटी होती है ठीक है ना होता ये था कि मैंने सुबह उससे मिलना है सारी रात मैं ब्लैक कॉफी पी पी के जागता था क्यूरियोसिटी किधर से आ गई क्यूरियोसिटी होती है और क्या होता है नहीं क्यूरियोसिटी नहीं होती यार नकला नुकला नहीं लानी है एंजाइटी होती है एंजाइटी चलो एंजाइटी हो गई जलन हो रही अंदर नहीं जलन एंजाइटी जलन नहीं होती एसिडिटी वो एसिडिटी भैया आप कहिए कि एंजाइटी मैं बहुत एंक्शियसली सुबह का इंतजार किया करता और आफ्ताब तुम्हें पता है कि मिलने से एक दिन पहले कपड़ों की मैचिंग के बारे में भी बात हुआ करती वो नहीं तेरे कपड़े नहीं सी पाता पैंट निकालनी है प्लीज शर्ट निकालनी है उसको ये बड़ा मरहला होता है खुद प्रेस करना बस फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम शुरू कर देना यार जल्दी पहुंच उसे कितने जाना भी है तू पहुंच नहीं रहा पैंट स्त्री तू ऑन जी निकल तेनू किन्ने पूछना सिद्ध का पता ना पुट का पता बाकी साहब मेरा एक सवाल है आपसे जी चेहरे से आप भी मुझे आशिक मिजाज लगते हैं अच्छा बेशक कभी इश्क किया इसमें क्या सबको ही हो जाता है मैं जैसे अपनी बात सुना रहा हूँ जब हो गया तो फिर क्या है इसमें क्या मतलब बताने में मुझे गुलाम भीख नैरंग का एक शेर याद आ रहा है कि भीका बात अगम की कहन सुनन में ना जो जाने वो ना कहे जो कहे वो जाने ना, ना। अब इसमें क्या बताना कि जिंदगी का बेड़ा गर्क कैसे किया ये इसको बताना है मैं कर चुका हूँ सर आप वैसे कैसे बचे आप भी माशाल्लाह काफी लिफ्ते रहे नहीं नहीं मैं तो बाल बाल बच गया ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी कर ली इस पे मुझे वो एक बड़ा आम सा एक लतीफा था कि वो पागलखाने गए तो देखा एक बंदा लगा हुआ है शबनम 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 जी क्या हुआ है कहते यार इसको किसी शबनम नामी लड़की से इश्क हो गया था तो वो बेचारों की शादी नहीं हो सकी तो ये पागल हो गया तो उसके साथ एक बंदा था वो भी वाह 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 कहता ये क्या कर रहा है कहता ये वो है जिसकी शबनम से शादी हुई ये दिसंबर की रातें भाई बड़ी अंधोनाक रातें तुम भाई लगते हो ये उसने कहा था ये किधर से आ गया भाई आपसे मुखातिब हूँ ये दिसंबर की रातें यकीन करें मेरा तकिया जो वो गीला हो जाता था वो कैसे इन दिसंबर च शुगर हो जाती रोता था सारी सारी रात एक दिन तकिए ते लम्मा पैन लगा तकिए ने सोटा काट ये दिसंबर ही का महीना तो यकायक को ऐसी बात हो गई उसकी मेरी नाराजगी हो गई हाय हाय मैंने उसे बुलवाया नहीं आई आप यकीन करें कि ये दिसंबर की रात बार बार मैं बता रहा हूँ सारी रात मैं उसके घर के बाहर जाके खड़ा रहा उन्हें भी नहीं बुआ खोलिया गरमांडे ओदा अब्बा आवे दो लेके चला जावे
ਗਰਮਾਂਡੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਅਖੀਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣੇ ਸਦੀ ਨਜ਼ਰਾਤ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੋਸਤੀ ਕਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਜਾਮ खातून ने घर खाने पर बुलाकर नौजवान से असला की नोक पर 20,000 लूट लिए पसमंदगी देख के उसे घर बुला 20,000 रुपए लूटे नहीं साथ मोबाइल भी था 5,000 उसके भी लगा लो तो जिन्हें घर बुला ले लूट लो नहीं उसके पास था ही इतना वरना सियालकोट में एक वाक्य हुआ था सियालकोट की लड़की थी गुजरांवाले का नौजवान फेसबुक पे माशका चला और इसका तो इंतहाई दर्दनाक अंजाम था उसको बुला लिया सियालकोट तो होंडा सिविक उसके पास गाड़ी थी 2,00,000 रुपया उसके पास था और फ़ोन भी उससे छीन लिया और बाद में उसे कत्ल भी कर दिया आए, आए, ये दो साथियों के साथ मिलके ताकि मुखबरी ना कर दे ये 30-35 लाख की खातिर ईमान जो है ना इन जैसों का बड़ी आसानी से डोल जाता है फेसबुक की दोस्ती महंगी है मैंने भी एक ने घर बुलाया उन्हें सफाई सफुई कराई भांडे धोए कपड़े धोए जाले लोए नहीं मैंने ये नहीं दुख भी तो आए या मतलब उन्हें वो तस्वीर खींच के चाड़ दी उत्ते सलीम सफाई करते हुए सलीम बर्तन मांजते हुए मैं हफ्ते बाद जो बुलाने तो फेसबुक से मैसेज कर दी सलीम भांडे उस तरह पाए ने सफाई होने वाली कितने तू मन नहीं दिया अरे बाजी है कितने दे सन शुजाबाद शाकर शुजाबादी साहब का शहर जी शाकर शुजाबादी का शहर शुजाबाद के लिए 20,000 बड़ी रकम है बड़ी जी बड़ी उसे जिद को 20,000 हो ना उन प्रेसिडेंट बना दे उस दार को एक ही निकला सिर्फ वजीरे वाला लाता उन्होंने अच्छा फेसबुक के आपके बहुत फ्रेंड्स तो होंगे बहुत ज्यादा लेकिन उनमें नेट बंद कर देता है मेरे को नहीं धोते जाते भांडे ये तो मजाक कर रहे हो ना बहुत एहतियात से काम लें सोशल मीडिया के हवाले से अव्वल तो सोशल मीडिया पे दोस्ती यारी करें ही ना और अगर करें भी तो एहतियात को मलूज़े खातिर रखें यानी मिलना अगर नागजीर है बस तो ना मिलें यारी दोस्ती की हद तक भी चलो ठीक है मिलने जाना नागजीर है तो फिर रश वाली जगह पे जाओ जहाँ शोर शराबा हो ये रश वाली जगह तो गया से यदि मशहूर को घो के ला गया सर ये हम जैसे लोगों के लिए फेसबुक आईडी होनी नहीं चाहिए हम जैसे से मुराद ये आर्टिस्टों के लिए हमारा क्या इससे काम आर्टिस्ट नहीं तो भरमार की होती है इसमें मैंने नहीं बनाई सर ये तानू इतनी अकल ही नहीं आडू साहब अच्छा तुम्हें बड़ी अकल है ए भाई जान मेरे मगर जरूर पे रहे अल्लाह इन जिंदगी दे रब पता है मुझे अब क्यों गुस्सा चढ़ रहा है ये इनके साथ क्यों नहीं बैठा हुआ यहाँ क्यों आके बैठी हकीम साहब आपकी जगह वो है आपको वहां बैठना चाहिए ये लग रहा है चिड़ा तो सेक रहे हैं फेसबुक की वजह से शादियां भी काफी हो गई आहो जड़े बाहर अंग्रेजा दी कुड़ियां पाकिस्तानी मुंडिया के ब्याह हुए ने बहुत सारे मसाइल ज्यादा हैं ये कुछ शादियां आप एक दफा सुन लेते हैं शादी उसके बाद उसके ऊपर क्या बीतती है आली पर क्या गुजरी ये सिर्फ आली जानता है पहले दो दो तीन तीन डिशा होंगे उन्हें कोई डिश है वो खाओ वो जो बस बस उस दौर से पढ़ाई यदि आंडी वक्री होंगी थी बड़े मामे की वक्री और बहनोई जो है वो ज्यादा ज्यादा दाल कद्दू खाता होगा शादी के आगे कोई बहनोई दाल कद्दू नहीं खाता कोई लिहाज नहीं करता अब अलहदा हंडी तो शादी पे ऐसी बन सकती है वरना रूटीन में गोश्त पक गया रोस्ट पक गया पुलाव पक गया ये तो कोई ऐसी चीज दाल कद्दू अलहदा पकवाना क्या बात है क्या बात है ये कोई मजाक है हकीम साहब आप करेले गोश्त शौक से खाते हैं केड़ी चीज नहीं बंदे नु खानी चाहिए हर चीज बल्कि थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए वाह लेकिन तुसी ते ते अमल नहीं करदे थोड़ी थोड़ी तो अपना ढेड देखो गरीबान च ना देखो ढेड च देखो तुसी बड़ी अद्धी अद्धी रोटी खा ली तू तो दो खा के कहना अच्छी कणक भी कित्थों लैंदी है बड़े मसाइल हल हुए थे लेकिन अब लोग फरामोश करते जा रहे हैं वायलेशन कर रहे हैं अब लोग वायलेशन कर रहे हैं और अच्छी चीज को कंटिन्यू करना चाहिए इसके ऊपर जो छाप लगा देते हैं जी नहीं ये शहबाज शरीफ की याद दिलाती है अगर अच्छी बात है तो ये तो उसका क्रेडिट है आप अपना डिसक्रेडिट बना रहे हैं लोग उसे याद रखेंगे कि एक अच्छा काम उसने शुरू किया था और इसकी ये जो एक बदनज़मी आई है ना हमारे यहाँ ये इख्तरा ही शरीफ बरादरान ने इसकी डाली थी कि अपने हरीफ के अच्छे काम को डिफ्यूज़ करो डिसओन करो याद है वजीराबाद वाला कार्डियोलॉजी जी जी आपके ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं आपका रेस्क्यू 1122 है जी जी आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम है
ये सारे के सारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे. इवन आपकी जो पेट्रोलिंग पोस्ट्स हैं, आपका लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन जो थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. स्मॉल डैम्स थे, फिर बर्न यूनिट, ये सारी चीज़ें बस चूंकि तख्ती हरीफ की लगी हुई है इसलिए उधर देखना भी कबूल नहीं. अफसोस की बात. अरे खाने वाली गल बहुत अच्छी तुसी की थी कि एदे नाल बहुत सारे लोगों का भला होया. मैं समझता हूँ इमरान खान को आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे आके कहना चाहिए कि एक अच्छी इख्तरा थी शहबाज शरीफ की, मैं इसे लेके आगे चलूंगा और इसको नुक्ता कमाल तक पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे बजदार के जरिए क्यों ना पहुंचाना पड़े. खुली वायलेशन करते हैं सर इस लॉ की. अब वो स्टार्टर के तौर पे सैलेड दे देते हैं, अब सैलेड लोडेड विद चिकन, फिर उसके साथ आपको नगेट्स दे देते हैं, फिंगर फिश दे देते हैं. ये स्टार्टर नहीं है भाई, ये एक डिश है पूरी. बिल्कुल जी. सूप दे देते जी. सूप तो चलो हो गया एक स्टार्टर के तौर पर मान लिया. और सर भुने हुए तीतर भी सर्व होते हैं. भुने हुए तीतर सर्व होना, ये तो बड़ी शाही किस्म की शादी होगी. भुने हुए तीतर के लिए तो तीतर की एक कसीर तादाद होना बहुत जरूरी है. तीतर इतने हैं कहाँ भैया, ये भुने हुए बटेर होंगे. और बटेर होने भाई तेरे ऐनक लगी ही है. भुने हुए तीतर आमतौर पर ये जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जेहलम की, डिस्ट्रिक्ट चकवाल, डिस्ट्रिक्ट अटक, जो हैबिटाट है इसका तीतर का, तो उसमें को अपनी पार्टियों वार्टियों में को 50-60-100 तीतर मंगवा लेते हैं. उनके पास तरीके हैं, अब मैं उन तरीकों की डिटेल में नहीं जाता. और बड़े लाजवाब स्टीम रोस्टेड तीतर बहुत शानदार होता है. सर स्टीम रोस्ट किस तरह होते हैं? जिस तरह चिकन नहीं स्टीम रोस्ट करते. जी जी बिल्कुल उसी तरह. बड़े देश के अंदर आए हाय वो एक रख दें छिकू टाइप चीज़ लोहे का और भाप के ऊपर उसको स्टीम रोस्ट करें. नहीं भी है, एक वक्त था हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये जो नाई है ये देग के अंदर ये जो कपास की छड़ियां होती है ना, छड़ियां छड़ियां रख के उससे छिकू का काम लेते हैं. वाह वाह. उसके ऊपर गोश्त और उस भाप में ऐसा शानदार, इस कदर नफीस के लुत्फ आ जाता है. नहीं उसको एंड में फिर ना एक आध मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं. जी उसको ये बिल्कुल करते हैं और उसमें अगर थोड़ा सा तरद्दत कर लें तो उसको पच के ना उसके ऊपर लीमू भी लगा. सर ये जो कड़ी का जो पकौड़ा अरबी के पत्तों वाला, ओनू भी इस तरह भाफते ही पकाने ने अंदर बेसन ला के रोल करके उते रख के. हजार तरीके हैं पकाने के. उसको आप स्टीम के ऊपर कर लें, हल्की आंच के ऊपर कर लें, लेकिन पकौड़ा हक अदा उसका होता है जब आप सिमर के ऊपर उसको फ्राई करें. सर कड़ी पकौड़ा और वाइट चावल, भाई कड़ी को ना कड़ी पकौड़ा, पकौड़े के बगैर कड़ी का कॉन्सेप्ट है कोई नहीं. मैं समझता हूँ बांझ है वो कड़ी जिसमें पकौड़े नहीं. लानत है उस कड़ी ते जिस पकौड़ा ही कोई नहीं. आफताब साहब की साडा दौर हुंदा सी की हुंदा सी, उबले चावल ते कड़ी पकनी उदी दी जान हुंदी सी. हुण गोश्त पका लो उसमें साथ साथ ही नहीं होता, खोखला फोखला खोखला खोखला होता, वो प्यार मोहब्बत ही नहीं रहे. मैं कह ना आफताब साहब वो दौर होता था, मैं तो खैर बहुत छोटा था उस दौर में, ये रिवाज होता था कि मोहल्लों में लोग जब रहते थे. हूँ भी लोग मोहल्लिया की रहते, हम खुडा की रहते हैं. दंद कटने वाली गल नहीं है जिड़ी मैं गल कर रहा ना, वो है खुड. बड़ी देर बाद लफ सुने खुडा. अब लोग मतलब कॉलोनियों में चले गए बड़ी बड़ी. अब लोग मैंने कुछ लोग देखे वो जी कॉलोनीज में कह रहे चले. मोहल्लों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लोग बड़े कॉलोनियों में निकल गए. जान पहचान कम है, जान पहचान कम है, एक दूसरे साथ साथ रह रहे, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है. बिल्कुल. उस वक्त ये होता था कि मतलब यहाँ से सालन ले लिया, साथ वालों के कुछ दे दिया, कुछ ले ली. अब क्योंकि कॉलोनियाँ बन गई, अब ये सिलसिला ही नहीं. हूँ भी मांग मूंग लेते हैं. जो बात कर रहा है ना वो उस सोसाइटी के बारे में जिसमें बहुत भाईचारा होता था, मिलनसार लोग थे, वैसे बड़ा आइडियल माहौल होता था, बहुत शानदार. ये माहौल मैंने खुद देख रखा है. अच्छा शादियां होती थी तो ये एक क्विल्ट कलेक्शन मुहिम शुरू होती थी. कहीं से कि रजाइयां, गद्दे, तकिए आए हाय हाय. और ये खुद ले आंदे हैं. कलेक्शन होती थी तो उसके ऊपर नोट किया जाता था, कमियारा लो आई है, नाइयां लो आई है, ये किसके हैं. और बड़ा बढ़ चढ़ के दिया जाता था कि जब जाए तो लोग कहें कि हाँ भाई इतना शानदार बिस्तर किसके घर से आया. ये ट्रेडिशन आप देख लीजिए जहां भी पुरानी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मतलब अंदरून शहर में देख लें, मजांग में देख लें, ऐसा है इछरे में ऐसा है. लाड़े ने सेरा बनना, सेरे के टाइम से बुढ़िया बुढ़िया माइया पूरी जान रुआ दिंदियां सन. सेरा बने नहीं बे ना रे तू तो चले आवे नहीं बे जी, तो कोलों से काला भवना लंघिया
तेरे नाने की रूह तेन मिलना आई है तेरे नाने की रूह सारी जंज रोन लग पे कि नाना आया तेरे नाने की रूह तेन वढ़न आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ नासिर